कर रहे हैं। शिवसेना कामगारों की तरफ से यहां पर प्रदर्शन किया जा रहा है विशाल मेगावाट जानीपुर के सामने, और कारण हम आपको बताएं, ये कुछ सामान यहां पर रखा हुआ है जो एक्सपायर्ड, इसकी डेट जो है कुछ एक्सपायर्ड है, और भी कुछ आरोप हैं इन लोगों के, और इनके इन लोगों का ये आरोप है कि ये लोग गलत सामान बेच रहे हैं, लोगों को मूर्ख बना रहे हैं। और विशाल मेगावाट सामने ये लोग जानीपुर में, मैं एक बार फिर से बताऊं, विशाल मेगावाट जानीपुर के सामने ये शिव सैनिक जो है वो प्रदर्शन कर रहे हैं। ये देखिए किस तरह के आरोप लगा रहे हैं। अच्छा, मैं किससे पूछूं, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम दीपक शर्मा है। अच्छा शर्मा साहब, क्या हुआ? मैं कल इधर आया विशाल मेगावाट में करीब 4 बजे। इनकी साइट पे लिखा हुआ था कि 11 बजे तक खुला है, तो 4 बजे नेचुरली मैंने एक बेडशीट खरीदी, बाकी खाने पीने का, मिठाई वगैरह सब कुछ खरीदा, मेट्स वगैरह को देना था। ये बेडशीट है? हाँ, ये बेडशीट है। अच्छा। तो इसमें मैंने जब बिछाने लगा 5:30 बजे करीब, तो इसमें पिलो कवर नहीं था, तो मैंने कहा चलो वापस करता हूँ। यहाँ मैं 6 बजे आया तो इन्होंने गेट बंद कर दिए, और जो गेट पे लोग थे वो बदतमीजी कर रहे थे ग्राहकों से, औरतों को जाने दे रहे। पिल्लो कवर नहीं थे, इसके ऊपर आपको एक बार बता दें, यहाँ पर लिखा हुआ है, थोड़ा क्लोज करके दिखाना अरुण, यहाँ पर लिखा हुआ है बेडशीट एंड वन पिल्लो कवर। मगर जब इन्होंने पैकेट खोला, देखिए लगातार हमारे पास ऐसी जानकारियाँ मिल रही हैं, बड़े बड़े मॉल के खिलाफ, बड़े बड़े ये जो दुकानें खुली हुई हैं, इस समय मल्टीनेशनल कंपनियों की दुकानें खुली हुई हैं। आज हमारे साथ यहाँ पर दीपक जी मौजूद हैं। दीपक जी ने कल यहाँ से कुछ शॉपिंग की, 3-4 दिन पहले भी शॉपिंग की, आधे से ज़्यादा इनको नियर टू एक्सपायरी और एक्सपायरी माल बेचा गया। यहाँ पर जो इन्होंने बेडशीट बेच ली, उन्होंने खरीदी अपने घर के लिए, दिवाली के मौके पर, त्योहारों के मौके पर भी लूटने का कोई मौका इन बड़े बड़े मॉल और बड़े बड़े दुकानदार नहीं छोड़ रहे। देखिए इसके ऊपर लिखा हुआ था कि बेडशीट के साथ अंदर एक पिल्लो कवर भी है, मगर जब घर जाके इन्होंने, इनके अनुसार जब खोला ये बेडशीट का पैकेट, तो इसमें पिल्लो कवर नहीं था। सबसे बड़ा जो हमें निंदा का प्रश्न ये है कि जब ये यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन इनके वर्करों के पास, इनके मैनेजर से वापिस आकर संपर्क करते हैं, तो आगे से इनके मैनेजर ग्राहक के साथ दुर्व्यवहार करते हैं। हमारी मांग है कि जगह जगह यहाँ पर देखिए, जम्मू के अंदर सिर्फ एक ही उत्पाद जो फॉर्म है, जो ग्राहकों के जहाँ पर हम शिकायत दर्ज करवा सकते हैं, एक जम्मू में है, एक श्रीनगर में है, बाकी अन्य किसी भी डिस्ट्रिक्ट के अंदर ग्राहकों को अगर कोई शिकायत दर्ज करनी है तो शिकायत केंद्र नहीं है। हमारी प्रशासन से भी, जम्मू कश्मीर प्रशासन से भी अपील है कि इनके लिए कड़े कदम उठाते हुए जगह जगह पर ग्राहकों को शिकायत केंद्र खोले जाएं, क्योंकि सरकार लगातार दावा कर रही है कि ग्राहकों के साथ कोई लूट कसूट नहीं की जाएगी, कोई ग्राहकों को गुमराह करता है तो उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। नए मॉल्स भी खोले जा रहे हैं कि नए मॉल खोलेंगे, आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से अगर व्यवहार होगा, और ये जैसे आप बता रहे हैं पिलो, एक्सपायरी डेट को किसकी है इसकी? हाँ बिल्कुल जी, ये एक्सपायरी है जो इन्होंने खरीदी 3 दिन पहले। एक बार दिखाओ जरा एक्सपायरी डेट। और मैक्सिमम सामान जो हमें जानकारियां मिल रही हैं ग्राहकों से कि नियर टू एक्सपायरी बेचा जा रहा है, बड़े बड़े रीपैक किया जा रहा है, बड़े बड़े लालच ग्राहकों को दिए जा रहे हैं। ये रीपैक कौन सा है? ये जबकि नियर टू एक्सपायरी है, ये इतनी स्मेल है उसके, खाने में इतना गंदा टेस्ट है कि आदमी का गला पकड़ लेंगे। एक्चुअल में आपको बताऊँ, मैं जब मैंने इसका विशाल मेगामार्ट जेपी स्क्वायर का मैंने फ़ोन नंबर मिलाया तो वो फ़ोन स्विच ऑफ था। अच्छा। उसके बाद मैंने जब वीडियो बनाया इसका कि ये ग्राहकों को बदतमीजी कर रहे हैं और गेट से अंदर, इस गेट से अंदर नहीं जाने दे रहे, तो वो लड़के जो बदतमीजी कर रहे थे वो अंदर भागे हैं, तो मैं पीछे पीछे उनके गया हूँ, तो अंदर एक कश्मीरी पंडित के साथ इनका सेल्स मैनेजर बेहद रूड तरीके से चिल्ला चिल्ला के बात कर रहा था। तो मैंने, है वीडियो आपके पास? मेरे पास उसका वीडियो नहीं है, मगर गेट का वीडियो है मेरे पास। और वो दिखा सकते हैं? 11 बजे का वो समय था, यानी कि 11 बजे तक का इनका समय साइट पे दिखा रहा था, 11 बजे तक भी। अच्छा। जबकि ये कह रहे 6 बजे हमने जाना है, हमारे घर कोई मातम थोड़ी है। मतलब ये रात को 11 बजे तक खुलने के निर्देश है और ये 6 बजे वाइट साइट पे इनके टाइम है 11 बजे तक का, जबकि ये 6 बजे बंद करके भागने की तैयारी में थे। अच्छा। और हजारों ग्राहक अंदर थे बिना SOP के, किसी ने मास्क नहीं पहना था, कोई सैनिटाइजर नहीं था। मैंने जब ये सवाल किया तो भड़क गया मेरे पे और मेरे से बदतमीजी करने लगा। मैंने उसे बड़ा उत्साह समझाया, वो नहीं समझ पाया। मैंने उसे कहा जितना तू चिल्ला रहा है उससे ज़्यादा तेज मैं चिल्ला सकता हूँ। उसके बाद वो शांत हुआ और मैं अपने घर चला गया कि किसी की दिवाली ख़राब ना हो। दूसरे दिन आज मैंने शिवसेना से संपर्क करके इस
सभी ये आपको मतलब हम ये कह सकते हैं कि आपको दिवाली का तोहफा दिया विशाल मेगावाट, बिल्कुल ये तोहफा दिया। और जब मैंने इनके ऑफिशियल से संपर्क करना चाहा तो किसी का नंबर ऑन नहीं मिला, इवन कि हमारा जो कंज्यूमर डिपार्टमेंट है, मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का हेल्पलाइन है, वो दोनों ही काम नहीं कर रही। इनके डायरेक्टर कंट्रोलर जो है मेन, उनका फ़ोन नहीं चल रहा, इनके डिप्टी डायरेक्टर का फ़ोन नहीं चल रहा, केवल किशन जो कंट्रोलर डिप्टी उनका मेरे से बात हुई, उसके बाद उन्होंने कहा मैं इंस्पेक्टर को अपनी भेजता हूँ। फूड इंस्पेक्टर से मेरी प्रवेश से बात हुई, वो कहता मैं अभी 1 बजे आऊँगा 2 बजे आऊँगा, उसके बाद फाइनली उसने जब पता लगा कि मीडिया इधर आ रहा है तो उसने कहा मैं अभी पहुँचता हूँ वहाँ पर। उन्होंने उनके अनुसार मैंने सैंपल भरे हैं, यहाँ मुझे कोई गड़बड़ नहीं मिली। अगर उसे गड़बड़ नहीं मिली तो ये क्या है, ये मेरे जो सामने है, जबकि मैं एक चादर चेंज कर, ये आपको लग रहा है कि ये रीपैक किया गया है? ये मेरे को लग रहा है कि रीपैक किया गया, क्योंकि इसकी स्मेल और इसका टेस्ट बताता है कि ये बहुत पुराना सामान है। इस तरीके से एक के साथ एक का लालच देके इन्होंने ग्राहकों को लाखों रुपए का सामान कल बेचा। नहीं, वो वीडियो में देख सकता हूँ, जो आप दिखा सकते हैं हम अपने दर्शकों को। वीडियो आपको दिखाएंगे। लगातार हम सुबह से भी इनसे संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं, मॉल तो आज बंद है, ये जो डिपार्टमेंटल स्टोर खुला हुआ ये आज क्यों बंद है? इनके मैनेजर से भी लगातार हम फोन कर रहे हैं मगर वो फोन नहीं उठा रहे। ऑफर आया हुआ है कि आज के इनका मैसेज आया हुआ है कि आज एक ऑफर है जी, आप आए, इतना परसेंट 50% पे आपको ये मिलेगा 50%, जबकि मॉल बंद है। और यहाँ मॉल में दूर दूर से लोग आते हैं, ये कह रहे जी आज विश्वकर्मा डे है, बाकी मॉल खुले हैं इनका बंद है। क्यों बंद है? ज्यादा कमाई कर ली है इस वजह से बंद है। ये एक बार वीडियो देखो, ये वीडियो है। हाँ बिल्कुल, ये वीडियो थोड़ा नहीं, इसको ऐसे करके नहीं सकते हैं, अंधे थोड़ा शेडो में दुकान में थोड़ा नहीं नहीं यहाँ पर थोड़ा ब्रांड। एक मिनट जो है ये कौन है? हाँ जी, ये जो लड़का दिख रहा है वो कौन है? ये यहाँ पर स्वीपर है, बताया जा रहा है, मैंने इसको बुलवाया तो ये भाग गया। अच्छा, ये भाग गया, इसके अलावा कोई मैनेजर नहीं आया? मैनेजर बाहर नहीं आया, संजीव सिंह नारायण ही ना कोई मैनेजर है, उसको फोन मिला रहे थे वो उठा नहीं रहा। अच्छा, तो ये मतलब वो स्वीपर बदतमीजी कर रहा था? हाँ, स्वीपर गेट पे खड़ा होकर बदतमीजी कर रहा था लोगों से। कुछ सीआरपी के बंद तालाब से लोग आए हुए थे, उन्होंने रिक्वेस्ट की, नहीं जाने दिया, औरतें आई उनको जाने दिया, उसके बाद कुछ और लोग कहे हम दूर दूर से आए हैं, आपने टाइमिंग डाला हुआ। जब एक मॉल टाइमिंग डालता है कि भाई आपका मॉल इतने बजे खुलेगा, ये ऑफर है, तो मैंने सिर्फ एक सवाल किया उससे कि भाई अगर आप बंद करना था 6 बजे तो 11 बजे आप साइट पे क्यों लिख रहे हैं, और 6 बजे अगर आप बंद कर रहे हैं तो उसकी मैसेज लोगों को दें। यहाँ दूर दूर से लोग आ रहे हैं, मैं तो ये पास से आया हूँ, जो दूर दूर से बेचारे पेट्रोल खर्च करके आए हैं, उनको हरास कर रहे हैं, ये सीधा सीधा हरासमेंट भी है। और सबसे बड़ी बात, एसओपी का जो उल्लंघन हो रहा है, ये ऐसा शो कर रहा था जैसे जम्मू में कोरोना खत्म हो चुका है, बिना मास्क के हजारों लोग अंदर घुसे हुए हैं, कोई सैनिटाइजेशन की व्यवस्था नहीं। सुबह सुबह आपकी इनसे बात हुई है, आपने बोला इनको कि ऐसे ऐसे परेशानी आई है मुझे? बिल्कुल बोला, इन्होंने मुझे अंदर जाने ही तक नहीं दिया काउंटर से आगे। नहीं, आज सुबह तो बंद पड़ा हुआ ये। फोन नहीं उठा रहे? फोन किया, इन्होंने भी किया, मैंने भी किया, फोन नहीं कोई उठा रहा, कोई मतलब लेना देना। अब ऐसे आगे क्या आप क्या मांग कर रहे हैं? हम मांग कर रहे हैं, एक तो डीसी साहब जो जम्मू गए हैं वो इसका संज्ञान में लें, इनकी सीसीटीवी फुटेज जब्त करें और देखें कि कितना बड़ा एसओपी का उल्लंघन इस मॉल के अंदर हो रहा है और बाकी मॉल के अंदर हो रहा है। और दूसरी बात, जो एक्सपायरी एक के साथ एक फ्री के नाम पर लोगों को जहर बेच रहे हैं, उस पर फूड डिपार्टमेंट कार्रवाई करे, और जो कम माल किसी को दिया जा रहा है उसकी जानकारी लीगल डिपार्टमेंट ले। एक के साथ एक फ्री है? बिल्कुल, एक के साथ एक फ्री है, मगर इसको खाने वाला आदमी मेरे ख्याल से गला था उसका एक सेकंड में खराब हो जाएगा, और इतनी स्मेल है, खा ही नहीं सकता इंसान। ऐसे चिपका रहे हैं कि चलो जो माल है, जो माल नहीं बिक रहा वो चिपकाए जा रहे हैं लोगों को। और लोग, आप देखिए, इन्होंने एक ऑफर दिया 1545 रुपये का कुकर 50% ऑफ 5 लीटर का 700 कुछ रुपये में, जबकि मार्केट में 450 रुपये का कुकर मिलता है, वो सीधा सीधा बेवकूफ बना रहे हैं। साथ में एक जो ना बिकने वाला प्रोडक्ट है, एक छोटी सी ट्रॉली बैग है,
उसको दे करके या जोड़ करके पैसा उतना ही वसूल रहे हैं, साथ में GST SGST सब वसूला जा रहा है। लोगों को, ग्राहकों को लूटने के लिए आकर्षित करके, जो आदमी 500 रुपए का सामान लेने जाता है, इनके आकर्षण में बचते 5-6 हज़ार रुपये खर्च करता है, अपना पैसा बर्बाद करता है, अननेसेसरी चीज़ें खरीदता है। इन मॉल की वजह से पूरे बाजारों का काम खत्म हो चुका है। बाजार में आज जो आम दुकानदार है, जो इनसे सस्ता माल बेचता है, वो आज हाथ लगा लगा के रो रहा है कि मैंने अपनी किस्मत को, कि मैं खमाऊंगा क्या, अपने बच्चों को खिलाऊंगा क्या। अच्छा, आप क्या मांग करना? जी जी, हमारी मांग है कि जैसे पहले था, 2019 से पहले यहाँ उपभोक्ताओं की शिकायत सुनी जाती थी, शिकायतें लिखी जाती थी। अब इस समय किसी भी ग्राहक को अगर किसी डिपार्टमेंटल स्टोर या जितने भी बड़े बड़े यहाँ मॉल बने हैं उनमें से किसी के खिलाफ शिकायत दर्ज करनी हो तो उनके लिए बहुत मुश्किल है। इस समय उनको कोर्ट में जाना पड़ता है, वहाँ मेट्रोलॉजी, स्टेट मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट है, सिर्फ वही शिकायतें लिखती है। यहाँ ग्राहकों के लिए शिकायत केंद्र खोले जाने चाहिए, जम्मू कश्मीर के अंदर हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर होना चाहिए और कड़ी नज़र रखी जाए। देखिए, अगर एक के साथ एक कोई फ्री दे रहा है, अगर आम छोटे दुकानदार वो नहीं दे सकते तो उसमें कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ दाल में काला है, तभी ये चीज़ें यहाँ पर जो है ऑफर के साथ बेची जाती हैं। और लगातार हमें शिकायतें मिल रही थी, आज भी हमने सुबह इनके मैनेजर से वहाँ संपर्क करने की कोशिश की मगर वो फ़ोन नहीं उठाते। यहाँ आओ तो यहाँ कह दिया जाता है कि मैनेजर यहाँ पर अवेलेबल ही रही है। देखिए, कहीं ना कहीं ये ग्राहकों को, ये बड़े बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर जो खुले हैं, ये ग्राहकों को गुमराह कर रहे हैं, जिससे खाली ग्राहक भी परेशान हो रहा है और जो आम जम्मू का जो लोकल छोटा दुकानदार है या आम दुकानदार है उसको भी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि ग्राहक को थोड़ी देर के बाद समझ आती है कि उसने खरीदा क्या है, उसने पाया क्या है सस्ते में। जब वो इस्तेमाल करता है, जैसे इन्होंने ये भुजिया खरीदा, जब इन्होंने घर जाके इस भुजिया को खाया तो इन्हें कह रहे हैं कि मैं बीमार होना शुरू हो गया, इनकी धर्मपत्नी का गला ख़राब हो गया, तो ये चीज़ें उनको बाद में घर जाके पता लगी। मगर उस समय ग्राहक भी लालच में आकर और जो ये ऑफ़र दे रहे हैं उसमें आकर वो गुमराह हो जाता है। तो हमारी प्रशासन से बिल्कुल साफ शब्दों में हम अपील करते हैं कि फूड इंस्पेक्टर्स जो हैं, फूड डिपार्टमेंट, इनकी कार्रवाई करे, इनकी यहाँ पर जो है सैंपलिंग की जाए, यहाँ जाँच की जाए, मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट के लोग यहाँ पर आएँ और यहाँ पर जाँच करें। देखिए, कहीं ना कहीं वो लोग भी, ये लोग उनके साथ मिली भगत करके उनको कहीं ना कहीं से गुमराह कर देते हैं या खुश कर देते हैं, दूसरी भाषा में कहा जाए तो, जिसके कारण वो भी यहाँ पर आने से कतराते हैं, जबकि छोटे दुकानदारों पर बहुत जल्द कार्रवाई कर दी जाती है। तो हमारी मांग है कि मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट से कि यहाँ पर इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। आज ये स्टोर बंद है, कल खुलने से पहले यहाँ से सैंपलिंग की जानी चाहिए, यहाँ से चेक किया जाना चाहिए इनका जितना भी सारा सामान है कि कहाँ कहाँ खराबी है, कहाँ कहाँ एक्सपायरी डेट है या नियर टू एक्सपायरी है, या जो ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि रीपैकिंग है, उसकी भी जांच की जाए, उसकी गुणवत्ता चेक की जाए, क्वालिटी चेक की जाए कि जो अंदर माल लिफाफे के अंदर बंद बेचा जा रहा है क्या वो लोगों के खाने लायक है। तो ये यही हमारी मांग है DC साहब से भी जम्मू के, और सबसे ज़्यादा मेट्रोलॉजी जो संबंधित जितने भी विभाग हैं, कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए ताकि जो हमारा ग्राहक है, जो उपभोक्ता है, उसको सही कीमत पर सही सामान मिले। बिल्कुल, शुक्रिया सर। जी, जहाँ तक इनके साथ इन मॉल्स के द्वारा एक के साथ एक फ्री देने का जो चलन है, मैं आपको बता दूँ, सरकारी नियमों के अनुसार फ्री के साथ भी SGST लगता है, यानी कि ग्राहक को प्योरली बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। एक के साथ एक के फ्री के नाम पर इनसे टैक्स वसूल करके ग्राहक की जेब उतनी काटी जा रही है जितनी आम दुकान से काटी जाती है। दुकानदार ईमानदारी से जो सामान बेच रहा है उसकी दुकानदारी खराब करने के लिए, उसको बर्बाद करने के लिए इन मॉल का जो फंडा है, ये बेहद खतरनाक स्थिति को पैदा कर रहा है। जम्मू के अंदर 4 आदमी लेकर के कोई एक मॉल खोल करके पूरे बाजार का काम खत्म कर दें, वो फंडा इस मॉल्स का नाम पर इस जम्मू में किया जा रहा है, जो कि इस छोटे शहर को बर्बाद करके रख देगा, इसकी इकोनॉमी को तोड़ कर रख देगा। इसको रोकने के लिए सरकार को फौरी तौर पर कदम उठाने होंगे, ऐसे मॉलों पर ताला लगाना होगा। तो इन लोगों की तो ये मांग है कि इस तरह के मॉल जैसे विशाल मेगावाट का, जो ये लोग जो आरोप लगा रहे हैं मॉल के अंदर, जिस तरह से ये लोग आरोप लगा रहे हैं कि एक के साथ एक आलू भुजिया दे रहे थे, वो जब घर जाके खोला पैकेट तो वो खाने लायक नहीं था, उससे बीमार ये लोग पड़ने लगे। उसके अलावा एक इन्होंने बेडशीट खरीदी थी जिसके ऊपर साफ लिखा था कि पिल्लो कवर भी मिलेगा, वो पिल्लो कवर भी नहीं मिला। जब वापस करवाने के लिए आए तो वो वापस लेने के लिए भी तैयार नहीं थे, और यहाँ पर कोई एक शख्स था जो इनके साथ बदतमीजी कर रहा था। तो कई प्रश्न ये लोग उठा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि जो फूड इंस्पेक्टर हैं वो ज़रा थोड़ा आकर यहाँ पर विज़िट करें,
और वो भी कह रहे हैं 1 बजे आएंगे 2 बजे आएंगे, कब आएंगे, क्या करेंगे, तो इस तरह से नहीं होगा। लेकिन जो इन्होंने सामान रखा है, एक तो ये भी आरोप है कि एक्सपायरी डेट है, तो एक्सपायरी डेट जो है वो भी चेक की जाए, इन्होंने जो आलू भुजिया दिखा रहे हैं उसको भी चेक किया जाए कि आखिर वो जो ये जो लोग आरोप लगा रहे हैं क्या वो सही है। और अगर एक्सपायरी डेट जो माल अगर यहाँ पर बेचा जा रहा है, सामान अगर बेचा जा रहा है, तो उससे कहीं ना कहीं कई जीवन तबाह हो सकते हैं, किसी की मृत्यु हो सकती है, डेथ हो सकती है। और ये मॉल खोलने के जो एजेंडा है वो भी उसको भी फेल बता रहे हैं, क्योंकि कोई मॉल खोलेगा सारी चीज़ें वहाँ पर उपलब्ध करवा देगा और छोटे मोटे जो दुकानदार हैं वो समाप्त हो जाएंगे उससे, तो ये उस पर भी प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। हमें लगता है कि विजिट होने चाहिए, प्रशासन आके कार्रवाई करे, देखे, सुने और उसके बाद कोई सटीक फैसला ले। अगर विशाल मेगावाट के यहाँ पर लोगों ने गलत किया, ओनरों ने गलत किया है, कोई गलत माल बेच रहे हैं, तो ज़रूर कार्रवाई इन लोगों पर होनी चाहिए। बाकी आप देख रहे हैं दैनिक शहर समाचार, मुझे और मेरे सहयोगी अरुण डोगरा को दें इजाज़त। नमस्कार।